हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं हिमाचल दर्शन, वन डेस्टिनेशन फॉर अमेजिंग प्लेसेस। आज के इस वीडियो में आप मेरे गांव की सैर करेंगे। खूबसूरत दृश्यों से शोभित इस वीडियो के अंदर एक हैरान कर देने वाला दृश्य भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने गाँव की सैर करवाऊँगा, तो चलते हैं मेरे साथ सीधा मेरे गाँव में। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में रानीताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है रजियाना। यह गांव रजियाना खास के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव रानीताल से बाबा बड़ो रोड पर स्थित है। यह है गांव के भीतर का दृश्य। स्लेट से बने घर देखने में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। ये घर अलग से पशुओं के रहने के लिए बनाए गए हैं। हिमाचल के गाँव की यह बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ के निवासियों ने अपने रहने के साथ साथ पशुओं के रहने की भी अच्छी व्यवस्था की हुई है। बरसात के मौसम में आमों से लदे हुए वृक्षों और हरे भरे खेतों का अद्भुत नज़ारा इस गांव के हर कोने में आपको मिल जाएगा। समुद्र तल से लगभग 2000 फुट की ऊंचाई पर बसे हुए इस गांव में लगभग आधे घरों की छतें स्लेट से बनी हुई हैं। परंपरागत ढंग से बने घरों की शोभा देखते ही बनती है। ये वीडियो मैंने बरसात के मौसम में शूट किया है। कुदरत के दृश्यों को कैमरे में कैद करने का इससे बेहतर समय और नहीं हो सकता है। कुदरत को महसूस करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। गांव के भीतर और बाहर छोटी छोटी किराने की कुछ दुकानें भी हैं, जहां से गांव वाले रोज़मर्रा का सामान लेते हैं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र का आधार उस क्षेत्र का स्कूल होता है, जहां से पढ़ लिख कर विद्यार्थी देश विदेश में अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। रजियाना गांव का स्कूल गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे नंबर 20A पर स्थित है। यह स्कूल पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक है। कभी नटखट बच्चों की आवाज़ों से गूंजने वाला यह स्कूल कोविड-19 नाम की महामारी की वजह से पिछले लगभग 1.5 साल से विद्यार्थियों की राह देख रहा है। दोस्तों, सामने वाले स्कूल की बिल्डिंग में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल कांगड़ा बॉयज़ के एक वीडियो के कुछ दृश्य यहां पर शूट किए गए थे। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चों के बिना सब सूना सूना लगता है। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्कूल के झूले भी बच्चों की राह देख रहे हों। यह है गांव का छोटा सा बस स्टॉप। इस गांव में सभी बुनियादी सुविधाएं मिल जाती हैं। सामने है लोकमित्र केंद्र, जहां गांव के निवासी अपनी डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाते हैं। सड़क के उस पार जो आप इमारत देख रहे हो, यह गांव का पोस्ट ऑफिस है और सड़क के इस तरफ आटे की चक्की है। ज़रूरत का सामान पिसवाने के लिए गाँव वालों को दूर नहीं जाना पड़ता है। ये सभी सुविधाएं गांव वालों को लगभग 100 से 200 मीटर के भीतर उपलब्ध हैं। मुख्य सड़क से गांव के भीतर जाने वाले लगभग सभी रास्ते पक्के बने हुए हैं। कहीं कहीं प्राचीन शैली में बने सीढ़ीदार रास्ते भी हैं। इन रास्तों पर चलने का एक अलग ही मज़ा है। दोस्तों, ये है गांव का पंचायत घर। पंचायत घर की इमारत के आसपास की स्वच्छता यहाँ के बढ़िया रखरखाव की कहानी बयां करती है। यहाँ समय समय पर राजनीतिक गतिविधियाँ और खेलकूद के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। सड़क के दोनों तरफ आम के वृक्षों के बीच में से ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20A आपको चमुंडा मंदिर, पालमपुर और बैना से जोड़ता है। फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं गाँव के सीढ़ीदार खेतों की तरफ, जहाँ पर ग्रामीण वासियों ने धान की खेती की हुई है। धान की फसल के लिए बरसात वरदान की तरह होती है। इसको आप संयोग ही कहोगे कि आज वीडियो शूट करते हुए बरसात हो रही है। खेतों के इस छोर से आप
एक नज़र में 50 से अधिक सीढ़ीदार खेतों को देख सकते हो। इस क्षेत्र के सभी खेतों में धान की फसल बोई जाती है, इसलिए इस जगह को धनोई कहते हैं। यहाँ का दृश्य इतना मनमोहक है कि कभी कभी ये जगह बरसात के दिनों में विश्व विख्यात खजियार के मैदान की तरह प्रतीत होती है। अरे हम आपको इनसे मिलवाते हैं, ये है मेरी छोटी गुड़िया विशी, बेहद नटखट। इसको नेचर से बहुत प्यार है, बरसात में छाता पकड़कर वीडियो शूट करने में मेरी बहुत हेल्प की है इसने। फ्रेंड्स, अभी हम गांव के मुख्य जल स्रोतों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जल का मुख्य स्रोत है ये बौड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में बाँ भी कहा जाता है। साल भर गाँववासी यहाँ से कुदरती पानी भरते हैं। यह बौड़ी पूरे गाँव के जल की पूर्ति करती है। बौड़ी के पास ही नहाने का स्थान भी बनाया हुआ है, जहाँ पर गांव के पुरुष सुबह सुबह नहाते हैं। भीषण गर्मी में भी ये बॉडी गांव वासियों को शीतल जल प्रदान करती है। यह है बॉडी के भीतर का दृश्य। बॉडी के ठीक ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जब भी गांव में कोई शुभ कार्य होता है तो यहां पर जल देवता की पूजा की जाती है। यह जल स्रोत यहां का सबसे पुराना जल स्रोत है। सदियों से ये बॉडी लोगों की प्यास बुझाती आई है। दोस्तों, अभी हम चलते हैं गांव के दूसरे प्रमुख जल स्रोत की तरफ। दूसरा स्रोत गांव के बीचों बीच बना एक कुआं है। इसका निर्माण कुछ वर्ष पहले किया गया है। यह भी एक कुदरती जल स्रोत है, परंतु गर्मी के मौसम में इस कुएं में पानी बहुत कम होता है। इस जल का इस्तेमाल भी घर के सभी कार्यों के लिए होता है। इन जल स्रोतों के अतिरिक्त सरकारी नल भी घर घर लगे हुए हैं, जहां पर समय समय पर पानी की सप्लाई आती रहती है। इतने जल स्रोतों के बावजूद गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो ही जाती है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से यही विनती है कि पीने के पानी के कुछ और विकल्पों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, अभी हम चलते हैं इसी बरसात के साथ साथ गांव के मंदिर के दर्शनों के लिए। मंदिर तक जाने के सभी रास्ते पक्के बने हुए हैं। सड़क से मंदिर की दूरी लगभग 300 मीटर है। इन पहाड़ी रास्तों में चलने का एक अलग ही आनंद है, और ऊपर से अगर बरसात हो रही हो तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि आस्था बहुत बलवान होती है। गांव के बच्चे भारी बरसात में भी रोज़ की तरह मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। भारी बरसात भी भक्तों को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकती है। हरे भरे खेतों के बीच में से गुजरता ये रास्ता बहुत खूबसूरत प्रतीत हो रहा है, और साथ में खेतों के बीच में आधुनिक शैली में बना ये घर बहुत खूबसूरत लग रहा है। छत की जगह अब कई लोग सीलिंग की तरजीह दे रहे हैं। पानी से लबालब खेतों के साथ दूर से यहाँ के स्थानीय मंदिर का दृश्य अद्भुत है। इस मंदिर को मढ़ी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ और राधा कृष्ण जी को समर्पित है। यहाँ पर स्थानीय निवासी शुभ कार्य के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जगराते एवं भंडारे शामिल हैं। मंदिर के भीतर भगवान शिव, माता पार्वती एवं राधा कृष्ण जी की खूबसूरत प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहां से चारों ओर का दृश्य बहुत शानदार है। पहाड़ों को अपने आगोश में लिए हुए बादलों का दृश्य
और धान की फसल से लहराते हुए बरसात में खेतों का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला है। बरसात के मौसम में हरियाली की चादर हर तरफ पसरी हुई है। जिस हैरान कर देने वाले दृश्य के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, ये वही दृश्य है। ये खजूर का पेड़ है। देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले इस पेड़ की ऊंचाई बहुत होती है, परंतु इस क्षेत्र में इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। क्या विश्वास कर सकते हो कि मेरी हाइट के बराबर खजूर का पेड़ और उस पर फल लगा हुआ है? अरे इस पर पका हुआ भी लगा हुआ है। क्या बात है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ ऐसे मिल जाएंगे आपको। हमारे गांव के पास में है, तो एक किस्म का ये कुदरत का अचंभा ही है। सड़क किनारे लगे खजूर के वृक्ष यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं, और ऊपर से फल से लदे हुए हों तो क्या कहना। अगर गांव में मिलने वाले मुख्य फल की बात करें तो यहां आपको भारी संख्या में आम के पेड़ मिल जाएंगे। सामने जहां तक आपकी नज़र जाएगी आम के पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। यहां आम की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। एक बहुत दिलचस्प बात, यहां के ज़्यादातर पेड़ों के स्थानीय निवासियों ने नाम रखे हुए हैं, जैसे गोरा, कालू, अंग्रेजी, मोंगनू और भी अनेक वृक्षों के नाम रखे हुए हैं। वीडियो के अंत में हम कांगड़ा से 19 किलोमीटर की दूरी पर बसे रजियाना खास में मेरे घर की छत पर पहुंच चुके हैं, और अब हम छत से हिमाचल की बरसात का आनंद लेंगे। ये मौसम का जादू है मितवा, नहीं अब दिल पे काबू है मितवा। बादलों से घिरे मेरे इस घर के मनमोहक दृश्य के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं ऐसी खूबसूरत प्लेसेस की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश, जहाँ भी जाएँ उस जगह को स्वच्छ रखें।